मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम केमिकल काइनेटिक्स का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन हमारी स्पीड है जिससे कोई रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है बेटा? इट इज द स्पीड विद विच रिएक्शन प्रोसीड। जिस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड करेगी वो हमारा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है भाई? कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितना चेंज हो रहा है विद पैसेज ऑफ टाइम। तो बेटा मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी जो रिएक्शन होती है वो जनरली हमने तीन टाइप में क्लासीफाई की थी। एक हमने पढ़ा था बेटा वेरी फास्ट रिएक्शन, एक हमने पढ़ी थी स्लो रिएक्शन, एक हमने पढ़ी थी मॉडरेट रिएक्शन। तो फास्ट रिएक्शन मीन्स बेटा जो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाए, जैसे मैंने बताया था कंबशन ऑफ पेट्रोल, यस और नो, या कोई भी, जैसे मैंने कहा सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट्स विद सोडियम क्लोराइड, कोई भी आयनिक रिएक्शन अब बहुत जल्दी हो जाती है तो हम उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। दूसरा हमने पढ़ा था स्लो रिएक्शन जो बहुत धीरे धीरे होती है, जैसे बेटा एग्जाम्पल थे कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा तो नहीं होता हमने लोहे का गेट लगाया और उसी दो दिन बाद तीन दिन बाद उसकी रस्टिंग हो गई। कम से कम उसमें होने में महीने, कुछ महीने या साल लग जाते हैं, तो ये भी स्लो प्रोसेस हो गया। तो इन स्लो प्रोसेस की भी प्रैक्टिकली हम केमिकल काइनेटिक्स को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हम रेट ऑफ रिएक्शन का कंसेप्ट है ये हम किसके लिए लगाते हैं? मॉडरेट रिएक्शन। वी कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। किसके निकालते हैं बेटा रेट ऑफ रिएक्शन? मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन मीन्स बेटा द रिएक्शन विच इज नॉट वेरी फास्ट नॉट वेरी स्लो। तो मॉडरेट रिएक्शन कौन सी होंगी बेटा? जो हमारी मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होंगी वो हमारी क्या होंगी? मॉडरेट रिएक्शन। जैसे मैंने कहा नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। बेटा ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। कैसा है? रिवर्सिबल, क्योंकि ये हबर प्रोसेस है, तुम्हें पता होगा इससे अमोनिया की फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहां मैं तुम्हें बता रही हूँ सिर्फ कि ये रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इस रिएक्शन में क्या होगा बेटा? देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या है बेटा? सिंगल बॉन्ड। क्या है? सिंगल बॉन्ड। और जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो इन बॉन्ड को टूटने में भी टाइम लगा होगा क्योंकि इसके अंदर क्या हुई? बॉन्ड ब्रेक हुआ। और इन बॉन्ड्स को बनने में टाइम लगा तो बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो इस बीच कैसा कितना टाइम लगा बेटा? फाइनाइट टाइम। कितना लगा? फाइनाइट टाइम। तो इस रिएक्शन के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं बेटा? केमिकल काइनेटिक्स। क्या अप्लाई करते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो यहां से हमें पता चल गया रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो ऐसे रिएक्शन पे लगता है जो ना तो ज्यादा फास्ट हो ना ज्यादा स्लो हो, उनके ऊपर हम क्या लगाते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, एक एग्जांपल कंसीडर करो तुम। मैंने तुम्हें कहा 2A रिएक्ट्स विद 3B एंड गिव्स अस 4C, ठीक है। तो इसका तुम लिखो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखो? रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? देखो सबसे पहले अब मैं तुम्हें इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। तो जनरली तो मैंने तुम्हें बताया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमारा क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये क्या है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इन विच
ईच टर्म इज डिवाइडेड, ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय इट्स स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट, यस और नो। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि हम क्या करते हैं बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और उसकी जो हमारे उस रिएक्शन उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की जो स्टोकियोमेट्री होगी उसको किस में लिखते हैं, उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। जैसे मैंने कहा 2a + 3b गिव्स अस 4c, ये हमारी रिएक्शन है, इसका हमें क्या लिखना है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन। फिर तुमने पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन दो प्रकार के थे बेटा, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन था, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन था। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, द रेट ऑफ द रिएक्शन एट एप्रिशिएबल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या था, एवरेज। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या था, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन का सबसे पहले हम लिखेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या लिखोगे बेटा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखोगे, चेंज इन कंसेंट्रेशन किसका है बेटा, रिएक्टेंट है। तो अब हमें पता है विद पैसेज ऑफ टाइम इस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज, और कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उसके लिए हम क्या साइन लगाते हैं, माइनस। और एवरेज है तो क्या लिखोगे बेटा, डेल। क्या लिखोगे, डेल। और डेल किसकी कंसेंट्रेशन चेंज, ए की, अपॉन टाइम इंटरवल डेल टी। अब इसकी जो स्टोकियोमेट्री है वो कितनी है, 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/2। क्या लिखेंगे, 1/2 इज इक्वल टू, ये देखो बेटा ये भी क्या है हमारा, रिएक्टेंट, तो क्या लिखोगे, माइनस। इसकी स्टोकियोमेट्री क्या है, 3, तो क्या लिखोगे, 1/3, और डेल बी अपॉन डेल टी, ओके, इज इक्वल टू। अब 4c हमारा क्या है, प्रोडक्ट, तो कैसा साइन आएगा बेटा, प्लस। स्टोकियोमेट्री 4, तो 1/4 डेल सी अपॉन डेल टी। तो ये हमने क्या लिखा बेटा, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसी रिएक्शन का हम लिखेंगे बेटा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, किसका, 2a + 3b gives us 4c, इसका क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या था बेटा, द रेट ऑफ ए रिएक्शन एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो रिएक्शन का रेट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो यहाँ देखो इसके लिए क्या लिखेंगे, रिएक्टेंट, तो क्या लिखोगे, माइनस स्टोकियोमेट्री 1/2, और dA क्या लिखोगे, dA/dt इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है फिर, माइनस स्टोकियोमेट्री को क्या लिखोगे, पावर में 1/3, और ये क्या आएगा बेटा, dB/dt इज इक्वल टू, क्या आएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस, प्लस लिखो या मत लिखो, 1/4 dC/dt, ओके। देखो एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैंने तुम्हें दिया बेटा 3x + y gives us 2z, ठीक है। मैं इसके लिए कहूँ तुम्हें कि बेटा यू विल राइट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तुम इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, तो बेटा 3x हमारा रिएक्टेंट है तो कैसा साइन आएगा बेटा, माइनस, कैसा आएगा, माइनस। स्टोकियोमेट्री क्या है, 3, तो क्या लिखोगे, 1/3। एवरेज है तो क्या लिखोगे, डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस, क्या आएगा, माइनस, क्योंकि अगला भी क्या है, रिएक्टेंट, 1/1 डेल वाई अपॉन डेल टी, ओके, इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है तो प्लस, और स्टोकियोमेट्री 2, तो क्या आएगा, 1/2 डेल जेड अपॉन डेल टी। तो ये क्या लिख दिया हमने, इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। फिर देखो बेटा यहां तुम दो चीज और समझना, तुमसे कहा जाएगा रेट ऑफ अपीयरनेस निकालो। देखो ध्यान से सुनना बेटा, यहां थोड़ा ध्यान लगाना, रेट ऑफ अपीयरनेस ऑफ जेड, जेड की अपीयरनेस क्या होगी। अब तुम्हें ये पता चल रहा है अपीयरनेस मीन्स क्या है, कितनी जल्दी प्रोडक्ट में ये जेड अपीयर होगा,
तो यहां अगर तुमसे कहा जाए रेट ऑफ अपियरनेस निकालो जेड की, तो तुम्हें निकालना है बेटा डेल जेड अपॉन डेल टी, डेल जेड अपॉन डेल टी। ओके, अगर मैं तुमसे कहूं बेटा रेट ऑफ डिसअपियरनेस, क्या रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ एक्स। अब बेटा डिसअपियरनेस मींस बेटा रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन क्या हो रही है डिक्रीज, तो नेगेटिव साइन किस में आ गया डिसअपियरनेस में ही आ गया, किस में आ गया डिसअपियरनेस में। तो इसमें तुम्हें क्या निकालना है बेटा डेल एक्स अपॉन डेल टी। ओके, तब भी हम रेट ऑफ अपियरनेस लिखेंगे या डिसअपियरनेस लिखेंगे बेटा, देयर इज नो रोल ऑफ स्टोकियोमेट्री, उस केस में स्टोकियोमेट्री का कोई भी रोल नहीं होगा। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर से बता रही हूँ बेटा, अगर तुमसे ये कहा जाए, अगर तुमसे कहा जाए कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो तुम स्टोकियोमेट्री को लिखोगे, लेकिन अगर तुमसे कहा जाए अपियरनेस निकालो जेड की, जेड मीन्स बेटा ये प्रोडक्ट है क्योंकि ये हमारा रिएक्शन में अपियर हो रहा है, तो इसमें तुम स्टोकियोमेट्री को कंसिडर नहीं करोगे, सेम किस में डिसअपियरनेस में। अब इसीलिए तुम लिखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं कि रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ वाई, रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ वाई, तो वाई का डिसअपियरनेस क्या होगा बेटा, स्टोकियोमेट्री नहीं लिखनी, डेल वाई अपॉन डेल टी, माइनस साइन डिसअपियरनेस में आ गया कि विद पैसेज ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। ओके, इट इज क्लियर, ठीक है बेटा। अब एक बार हम इसकी इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, देखो ध्यान से देखना क्वेश्चन, मैंने कहा 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स अस 4NO प्लस 6H2। ठीक है, मैं तुमसे कहूँ फर्स्ट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, क्या लिखो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहीं पे लिख देंगे बेटा। दूसरा मैं तुमसे कहूँ रेट ऑफ अपियरनेस, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NO लिखो। फिर मैं तुमसे कहूं बेटा रेट ऑफ डिसअपियरनेस, रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ ऑक्सीजन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखोगे, NH3 हमारा क्या है रिएक्टेंट, तो क्या साइन आएगा बेटा माइनस, स्टोकियोमेट्री 4 तो क्या लिखोगे 1/4, एवरेज है तो क्या लिखोगे डेल NH3, डेल NH3 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, फिर 5O2 भी रिएक्टेंट है तो क्या लिखोगे माइनस 1/5 डेल O2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, NO क्या है प्रोडक्ट, तो क्या सा साइन प्लस, चाहे प्लस साइन लिखो या मत लिखो, तो सिंपली हम क्या लिख देंगे इसको स्टोकियोमेट्री को 1/4, और ये क्या आएगा बेटा डेल NO अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/6 डेल H2O अपॉन डेल टी। ये हमने क्या लिख दिया एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब तुमसे कहा जाएगा कि रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ NO अपियरनेस मींस बेटा NO क्या है प्रोडक्ट है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ेगी, तो रेट ऑफ अपियरनेस लिखनी है NO की, तो बेटा सिंपली क्या लिखोगे बेटा डेल NO अपॉन डेल टी। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ ऑक्सीजन, तो बेटा सिंपली क्या लिखोगे डेल O2 अपॉन डेल टी। बेटा याद रखना अपियरनेस और डिसअपियरनेस में स्टोकियोमेट्रिक कोफिशियंट का कोई भी रोल नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, देखो जैसे मैंने तुमसे क्वेश्चन, देखो बेटा ध्यान से समझो, बिल्कुल सिंपल सिंपल करवा रही हूँ क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन पे न्यूमेरिकल सी करवाऊंगी। मैंने कहा N2 प्लस 3H2 गिव्स अस 2NH3, मैंने कहा ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया टू मोल ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 20 मिनट एंड वॉल्यूम ऑफ वेसल इज 1 लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है, तुम्हें कहा दिया कहा गया है फाइंड, क्या निकालना है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड निकालना है बेटा
रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और थर्ड तुम्हें निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपियरनेस बेटा, रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो सबसे पहले देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, 2 mole ऑफ नाइट्रोजन डिसअपियर इन 20 मिनट, तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो यहाँ पे तुम्हें किसका कंसंट्रेशन दिया हुआ बेटा, नाइट्रोजन का, तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके रिस्पेक्ट में लिखोगे, नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट पार्ट करें तो फर्स्ट पार्ट में नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, माइनस डेल एन टू अपॉन डेल टी, तो क्या लिखोगे बेटा, माइनस, क्या लिखोगे, माइनस, ओके। तो डेल एन टू बाई डेल टी कितने मोल्स हैं, 2, क्योंकि हम अगर बेटा कंसंट्रेशन की बात हो तो क्या लेंगे, मोलैरिटी, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 2, और वॉल्यूम कितना हो गया, 1, और कितना टाइम दे रखा है बेटा, 20 मिनट, और मिनट को किसमें बदलोगे, सेकंड में। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिख दी तुमने, अब तुम इसका क्या कर लोगे बेटा, अब ये माइनस आया क्योंकि ये रिएक्टेंट है, तो यहाँ माइनस साइन सिर्फ तुम्हें क्या बता रहा है कि कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, तो इस माइनस साइन को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि विद पैसेज ऑफ टाइम नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है। तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन, तुम इसका क्या ले लो, मोड ले लो, मोड ले लोगे तो माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आ जाएगा, 1/600 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। सेकेंड तुम्हें निकालना है रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ हाइड्रोजन, क्या निकालना है बेटा, रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स तुम्हें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तुम्हें निकालना है डेल एच टू अपॉन डेल टी। तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में तुम रेट ऑफ रिएक्शन को क्या लिख सकते हो बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन क्या आएगा बेटा, माइनस 1/3 डेल एच टू बाय डेल टी। अब ये माइनस साइन किस में चला गया, डिसअपियरनेस में ही, मीन्स तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा हुआ है डेल एच टू बाय डेल टी, तो किसके इक्वल आएगा, 3 into rate of reaction, तो ये क्या आएगा बेटा, 3 into 1/600, ठीक है बेटा, तो इसको कैंसिल कर दोगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 1/200 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्लियर हुआ बेटा। थर्ड पार्ट देखो, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी बेटा, रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ अमोनिया, क्या निकालना है, रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ अमोनिया, तो क्या निकालना है बेटा, तुम्हें क्वेश्चन में निकालना है डेल NH3/ΔT, तो सबसे पहले क्या लिख लोगे बेटा, तुम लिख लोगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अमोनिया, तो अमोनिया के रिस्पेक्ट में रेट क्या आएगा हमारा, 1/2 डेल NH3/ΔT, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन देखो अभी हमने निकाला था कितना था, 1/600, इधर ये 2 किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ अमोनिया, तो किसके इक्वल आएगा बेटा, ये आएगा 1/300 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, जैसे मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, बहुत ध्यान से देखो इनको, मैंने तुम्हें कहा 2N2O5 gives us 4NO2+O2, ठीक है, मैंने कहा इफ रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ NO2 इज 2 mole per liter per second, अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें निकालना है बेटा रेट ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन, सेकंड निकालना है बेटा रेट ऑफ डिसअपियरनेस, रेट ऑफ डिसअपियरनेस ऑफ N2O5। बेटा ये देखना जो मैं तुम्हें चीजें बता रही हूँ, ये कल तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तो उसमें यूज होंगी। थर्ड हमें निकालना है रेट ऑफ अपियरनेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है,
और हमें अपीयरेंस किसी दे रखी है नाइट्रोजन की। तो सबसे पहले बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन पूरे रिएक्शन के लिए तो क्या लिखोगे तुम लिखोगे -1/2 डेल एन टू ओ फाइव अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/4 डेल एन ओ टू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू 1/1 डेल ओ टू अपॉन डेल टी। कंप्लीट रिएक्शन के लिए लिखा, लेकिन हमें तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसकी दी हुई है एन ओ टू की, तो इस रेट ऑफ रिएक्शन किसके लिए लिखोगे, सिर्फ एन ओ टू के लिए। फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के तुम लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू एन ओ टू, तो ये क्या आएगा बेटा 1/4 डेल एन ओ टू अपॉन डेल टी। तो यहां से हमें क्या निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो 1/4 क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया हुआ है डेल एन ओ टू अपॉन डेल टी कितना दिया हुआ है बेटा 2 × 2 क्या दिया हुआ है 2, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है बेटा, सेकेंड तुम्हें क्या निकालना अब रेट ऑफ डिसअपीयरनेस, रेट ऑफ डिसअपीयरनेस ऑफ N2O5 N2O5 की डिसअपीयरनेस मीन्स यू विल हैव टू कैलकुलेट माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी, यस और नो। तो यहां से तुम क्या लिखोगे बेटा, तुम लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2O5, तो ये किसके इक्वल आएगा N2O5 के रिस्पेक्ट में रेट को क्या लिखोगे बेटा -1/2 डेल N2O5 अपॉन डेल टी। तो यहां से हमें माइनस डेल N2O5 अपॉन डेल टी, क्योंकि माइनस क्यों लिया, क्योंकि डिसअपीयरनेस में ही माइनस साइन आ गया, तो किसके इक्वल आएगा 2 × रेट ऑफ रिएक्शन। तो 2 × रेट ऑफ रिएक्शन कितना था बेटा 0.5, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 1 mol liter inverse second inverse। ठीक है बेटा, थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में क्या निकालना है रेट ऑफ अपीयरनेस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के टर्म में क्या लिख दोगे तुम रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या लिखोगे बेटा तुम लिखोगे रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा बेटा 1/1 डेल ओ टू अपॉन डेल टी। अब यहाँ पे हमें अपीयरनेस ही निकालनी है, इट मीन्स हमें ये निकालना है, तो ये किसके इक्वल आएगा रेट ऑफ रिएक्शन के, तो यहाँ से डेल ओ टू अपॉन डेल टी कितना आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल, जो कितनी है 0.5 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके बेटा, तो इन न्यूमेरिकल्स को बहुत ध्यान से करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें इसी कंसेप्ट पे न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। थैंक यू।